गाइस अभी इतने आराम से बैठा हुआ ना, मैं सीरियल देख रहा था, इतने मैंने मेरे को गाइस हमने ना किसी ने भी स्टेटस नहीं लगाया लड्डू का 10 days लेफ्ट का, लेकिन 10 दिन बाद ये जाने वाले। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सोचेंगे। तो फिलहाल गाइस कीर्ति और मम्मी अभी लिस्ट चेक कर रहे हैं कि किन को कार्ड हमने दे दिया, किन किन को नहीं, क्योंकि अभी निकल रहे हैं बड़े भैया कार्ड देने के लिए, और मैं जा रहा हूँ चाय बनाने के लिए कीर्ति और अपनी चाय बनानी है। हाँ, चाय बनानी है, साथ में मट्टी थोड़ी सी कॉफी डाल दियो। ओके With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you knew that we had something special till you end up all. चलो गाइस चाय तो रेडी हो गई, आ जा मन्ना। तो गाइस अभी लड्डू के ना सूट का नाप लिया जा रहा है, लड्डू के सूट सिले जाएंगे। फिर तेरे नहीं सिल रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे सिलवाए तू ना सिलवाए हैं। बबलू भैया, लड़कियों को कपड़े सिलने में कितनी दिक्कत होती है, गला इतने इंची का होना चाहिए, बैक सही होना चाहिए, स्ट्रिप भी होनी चाहिए। हमारे लड़कों का टेलर बनना चाहिए था, लड़कियों का नहीं। हमारे में क्या मम्मी, बस पैंट शर्ट का अपना साइज दिया बस बन गई है। मतलब अभी तो इतने सारे सूट और भैया को एक घंटा हो चुका और अभी 2-3 घंटे भैया को और लगाएंगे। ये स्टेप बना है, बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। ब्लैक वाला निकालो तुम, जोली पैक कर, पता नहीं कर। भैया दोबारा सर दर्द हो ना, चाय मांग लेना, ठीक है? ठीक है, अगर दोबारा सर दर्द हो तो। मतलब यार हमारे तो वो सबसे बड़ी होता है कि पैंट शर्ट का हमने साइज वगैरह दिया और हमारे कपड़े सिल गए। मतलब यार इन लड़कियों को देखो, मतलब बुक लेके बैठे ना। गाइस मैं समझो कीर्ति और लड्डू के कपड़े सिल रहे हैं, पर मम्मी की भी, मम्मी भी सिलवा रही है अपने कपड़े, देखो। वाओ, मम्मी मेरी हाइट मम्मी से छोटी है? पागल है क्या? हाँ मम्मी से लगती है। नहीं मम्मी से छोटी हाइट है। नहीं ना, वीडियो में साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तू एड़े क्यों उठा रही है? पागल है, एड़े क्यों उठा रही है? एड़े उठा रही है, कुछ भी बोल रही है, पूरी बॉडी स्ट्रेच कर रही है। स्ट्रेच ऐसा होती है? नहीं वीडियो में गिरी थी, मम्मी लंबी लग रही है। नहीं आप देखो सही, इक्वल हो, कुछ भी कम है लंबी उनसे। अच्छा ठीक है, नहीं लंबी है। सबके सूट सिल रहे हैं, मेरे क्यों सिलेंगे? क्या मैं लंबी भी हूँ, मैं सर इंटेलिजेंट भी हूँ। ये भाई गिरती वो करिए गुत्थी गुत्थी पलक पलक। आप आए हमारे घर में, क्या था कैसे आप आए, ये डालू। गाइस कीर्ति ये कह रही है कि टायर का भी हम कपड़े सिलवाएंगे, टायर का तो कहाँ मिलते हैं? सब मिलते हैं, शर्ट कोट ऊपर से कोट और बॉब ब्लाउज। अच्छा कोट पैंट पहनोगे तुम हैं? तुम कोट पैंट पहनोगे? टायर पार्क चलेंगे ठीक है ना, बच्चा पार्क जाएगा, क्योंकि देखो सारे के सारे तो जा रहे हैं मार्केट, तो तुम मैं और कार्तिक भैया चलेंगे वहाँ पे, है ना? खाना खा लो आप आज। हाँ क्या खिला, क्या खिलाई हो? मतलब बोल लेके जाऊंगा इसको, खिलाऊंगा आराम से बढ़िया करके, हम भी खेलेंगे ना, है ना बाबू? खाना खा लो फिर चलेंगे आराम से अपना घूमने। अभी 4 बजे ना, 4:30 मम्मी के निकलते हम निकल जाएंगे। बाकी देखना आप सारा पलंग वलंग सब खोल दिए, इनके तो कपड़े खत्म नहीं होते सब मेरे घर वालों के। तो ये देख रहे हो पूरी अलमारी जो है ना, ये लड्डू की है, और इतने कपड़े होने के बावजूद भी ये कहती है मेरे पास कपड़े नहीं है। और ऐसा तो कपड़े तो इसने पहने भी नहीं है, आ भी जाएगा ये, उठाओ उठाओ उठाओ, उठाओ। अरे यार गाइस वीडियो बनाने के चक्कर में ना सारे बॉक्स नीचे ही गिर गए, एक एक करके रहूंगा, एक एक करके एक एक करके लिखाओ। ताला लगा के जाइयो नीचे का, यहाँ का भी ताला। ओके सब जगह ताला लगा के मैं चले जाऊंगा, अलमारी चेक कर लीजिए बंद करता है। ओके तो गाइस नहा भी लिया हूँ मैं, पूजा भी कर ली है मैंने, बाकी अब चलते हैं टाइगर को लेके पार्क। चले बाबू पार्क, मेरे पूंछ कैसे लग रहा है, एक्साइटमेंट। हाथ दो पहले, हैंडशेक पहले, हैंडशेक, गुड बॉय। चल रहे हैं बच्चों, कीर्ति दीदी आ जाए फिर चल रहे हैं ना।
अरे भाई चल रहा हूँ, चप्पल तो पहनने दो। देखो अरे यार पार्क जाने की एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि तूने मेरी चप्पल गीली कर दी। मैं गीली चप्पल पहने ही जाऊँगा। है गीली गीली चप्पल पहनने यार जैसा लगता है। चलो 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 चलो, आज पार्क के नाम से टाइगर पागल हो गया पूरा। आराम से चलो यार, ठीक है इतने टाइम बाद पार्क जा रहे हो, एक्साइटमेंट जरूरी थोड़ी है। भाई डर जाते हैं सारे टायर को देख के। सो गाइस अब रिएक्शन देखना बस, अब जब टायर चलेगा ना तो रोड पर सबकी रिएक्शन देखना कैसा है। चलो रास्ता काट लेते हैं अपना टाइगर को दूर से देख के ना। मैं क्यों आवाज दे दी? अबे भैया 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 यार थका दिया इसने। टाइगर आज तेरे संभालने में नहीं आया, आज तेरे संभालने में भी नहीं आएगा, ये तेरे संभालने में नहीं आएगा। देख अरे मेरा तो पूरा हाथ दर्द हो गया ला, एक हाथ से पकड़ रखा ना। टाइगर रुक, ये सही है तो पट्टाई वाला लगा के लाया। सेट सेट बस आवाज आयो। और पाची क्या हाल है? तो भगवान रखे बाड़ी बारिश हो गया। चलते हैं चले करते हैं। बिल्कुल मतलब यार अंधेरा भी हो गया ज्यादा और एक डेढ़ घंटे से बैठे हैं पार्क के अंदर। चलो टाइगर ले गो, अभी भी घूमना है अभी भी। चल लो भैया जी, चल लो चलो भाई आ जाओ। ले मन नहीं कर रहा जाने का, देखियो आ जा भैया आ जा आ जा आ जा। चल हम जा रहे हैं, आ जा। खेलना ऐसे खेलना, अभी भी मन नहीं भरा इसका। इधर चल जा रहे हम, ठीक है भाई चल आ जा, अपना पाएगा अपने आप आएगा। आ जा देखा आ गया ना, पट्टा नहीं बनवा रहा ये आराम से। ऐसे चल भी नहीं पाएगा, ऐसे नहीं चलते इसे। पार्क तक कैसे एकदम से तेरी। टाइगर नहीं आएगा हाथ में, कार्तिक नहीं आएगा हाथ में, पकड़ पकड़। भाई नहीं पकड़ सकता, कार्तिक नहीं पकड़ सकता। मैं पकड़ूं? ले फिर भाग गया। पकड़ भाई, बुलेट ट्रेन नहीं पकड़ सकते। हाँ यार इसे पकड़ना मुश्किल है, अपनी मर्जी से पट्टा। लास्ट ट्राई, एक भाई लास्ट ट्राई और कर लो। तो कहाँ वो ट्राई करने के लिए भागे जा रहे हैं? अंकल जी चटनी देख रहा कितनी लाल अंकल की। आओ कार्तिक भाई खाओ। चलो गाइस मोमोस तो खा लिए, साइड होने भी चले। यहाँ पे भी ताला लगा रखा है। जाओ अंदर जाओ, अच्छा पट्टा रोक रखा नहीं, जाओ चलो। तो फिलहाल गाइस अभी मैं कीर्ति को लेने जा रहा हूँ उसके क्लाइंट के घर से, तो उसे लेके आते हैं। मैं कीर्ति ये क्या बदतमीजी है,
सारा सामान तूने हमारे हाथ में दे दिया, सौरभ भाई के हाथ में दे दिया। देखिए तो फोन बहुत भारी पकड़ रखा है सौरभ। हम तो ऐसा कि मैं घर से बेदखल कर दी घर से बाहर निकाल दिया हो। सो गाइस कीर्ति को ले आए। हाँ टाइगर। और गाइस हमने ना किसी ने भी स्टेटस नहीं लगाया लड्डू का 10 days लेफ्ट का, लेकिन 10 दिन बाद ये जाने वाली है। लास्ट वाली शीशे में सेल्फी ले ले, 10 दिन बाद आपको इस शीशे में सेल्फी लेने को नहीं मिलेगी। सो गाइस अभी इतने आराम से बैठा हुआ ना, मैं सीरियल देख रहा था, इतने मैंने मेरे को पैसे दे दिए कि नहीं तो आराम से मत बैठ, पनीर ले क्या, ये तो प्यारा सीरियल है ना मम्मी, ये तेरी खुद गर्दी। हमने भी सारे पेंडिंग में डाल दिए हैं, जितने सब सीरियल है ना शादी के बाद दे देंगे। सो गाइस खाना रेडी हो चुका है, अब मस्त खाना खाते हैं।